शेड्यूल टी दुड मैन्युफेक्चरिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन अराइज हो रहा है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आर प्रिस्क्राइब जीएमपी क्यों जरूरी है ताकि बिकॉज हमें पता है कि एक हर्बल मटीरियल एक हर्बल प्रिपरेशन बनाने के लिए भी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ इन्ग्रीडियंट्स चरण प्राश की बात करें या कोई एक फेमस फॉर्मुलेशन की बात करें जिसमें 10, 15, 20, 25 या 50 इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं उस समय पे जीएम पी प्लेजिकल रोल हर एक इंग्रेडिएंट को हमें प्रॉपर स्टैंडर्डाइज पैरामीटर से क्रॉस करने के बाद ही उसे यूज करना है और यूज करने के बाद ही बोलने का मतलब क्या है कि हम रॉ मेटीरियल पे भी हर एक स्टैंडर्डाइज पैरामीटर टेस्ट करेंगे हमने स्टैंडाइजेशन के बारे में पढ़ा है

टेक्स्ट में दिए हैं वो हमें फॉलो करने हैं और किस लिए करना है जीएमपी एडुकेट क्वालिटी कंट्रोल कंट्रोल हमें क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर्स को यूज करके ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल करना है अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या क्या पैरामीटर्स दिए हैं जीएमपी के इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स वर्किंग स्टोरेज एरिया मशीन एंड इक्विपमेंट्स हेल्थ हाइजीन डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड सबसे पहले जीएमपी के लिए जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हर्बल ड्रग की वो इंडस्ट्री

if we talk about the general requirements like location and surroundings, so location, building location, be? so the building used for the factory sh shall be such as to permit the production of drug under hygienic condition and should be free from any type of rodents or you can say the pest. So building, kisi bhi pest, say, free hona then the premises used for the manufacturing processes, packaging and labeling will be in the conformity. फैक्ट्री एक्ट फैक्ट्री एक्ट के अनुसार होनी चाहिए इट शैल बी लोकेटेड सो एज टू कमलेशन ऐसा नहीं है, कि एक, आपने manufacturing करनी है तो एक सेक्शन आपने एक जगह बना दिया दूसरा सेक्शन बीस किलोमीटर दूर बना दिया तो वो चीजें एडजस्टेंट होनी चाहिए ताकि वो आपकी जो मैनुफेक्चरिंग है वो स्मूथ जा सके

फ्लोरिंग uh, ऐसी होने चाहिए कि एकदम से साफ हो जाए यह इकट्ठा होती और कंटेमिनेशन हो जाए वाटर वाटर सप्लाई होनी चाहिए इंपॉर्टेंट क्योंकि हर्बल ड्रग्स को हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो उसमें स्टोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए फॉर एग्जांपल स्टोर्स के बारे में दिया है रॉ मेटेरियल एफ मीन स्टोर एफ ए मीन

टेगराइज अलग अलग तरह से उनको हमें स्टोरेज कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिस तरह के हमारे पास ड्रग है डिपेंडिंग ऑन दिस सपोज करिए आपके वोलेटाइल ऑयल यूज करने यू नीड प्रॉपर कंडीशन फॉर द प्लांट एक्सट्रैक्ट एंड रेजेंस ओके जो भी आपके फिनिश प्रोडक्ट है द फिनिश गुड ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोडक्शन एरिया अगर प्रोडक्शन एरिया से जाके

मेडिकल चेकअप आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड सपोज वंस इन इट इज मैं उसका हर एक चीज का रिकॉर्ड आपको मेंटेन रखना है इफ टॉक अबाउट द मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स जितने भी प्रोसेसेस आपके चाहे क्रशिंग है ग्राइंडिंग है पाउडरिंग करनी है बॉइलिंग करना है अगर किसी ड्रग का रोस्टिंग फिल्टरिंग ड्राइंग उसके लिए पर्टिकुलर मशीनरी इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी का अच्छी ग्रेड का आईएसओ सर्टिफाइड आई एसओ का होना चाहिए यस यू मस्ट हैव अ बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड एरिया

उस एरिया देयर शुड बी नीड ऑफ दिस ट्रायल प्रोडक्ट कंप्लीट ट्रायल एनवायरनमेंट शुड बी देयर अगर ट्रायल प्रोडक्ट्स की जरूरत है बनाने में सपोज पेरेंटल बन रहे आयुर्वेदिक तो देर शुड बी नीड ऑफ दिस ट्रायल एरिया फॉर एग्जाम्पल आपको आयुर्वेद गुटिका वटिका बनानी है तो गुटिका वटिका के लिए मिनिमम मैनुफेक्चरिंग स्पेस कितना होना चाहिए एज पर जीएमपी कम से कम हंड्रेड फीट और कौन कौन सी मशीनरी एसेंशियल है इसके बिना आप मैनुफेक्चरिंग प्लांट नहीं खोल सकते तो कौन कौन सी मशीनरी आप होनी चाहिए मैनुफेक्चरिंग प्लांट में बॉल बॉलमेल मास मिक्सर देन यू मस्ट है स्टेनलेस स्टील ट्रेज कंटेनर फॉर स्टोरेज ड्रायर्स सपोज करिए आपने ऑइंटमेंट या मरहम बनाना है आयुर्वेद में तो यू नीड

सेक्ट्रा इन सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स दे ये रिक्वायरमेंट्स है इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में अलग अलग सेक्शन होने चाहिए और उसमें अलग अलग लैब्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए आई वेलकम यू ऑल इन दार्ट टू वीडियो ऑफ शेड्यूल टी सो वी हैव कंप्लीटेड शेड्यूल टी एक लास्ट लेक्चर में अबाउट गुड मैनुफेक्चरिंग प्रैक्टिस Some of the important aspects from different presentations. So let's start. So as we know, Schedule T of Drug and Cosmetic Act, 1945, Rule 157. So what are GMP? A set of the principle and procedure which, when followed by the manufacturers for therapeutic goods, help ensure that the products manufactured have the required quality. So Ayurvedic system of medicine, we must follow proper GMP, proper guidelines, proper procedures, so that. क्वायर्ड क्वालिटी शुड बी में सो एक कंसेप्ट था रसशाला का बेसिकली आज हम अगर मैनुफैक्चरिंग यूनिट की बात करें फार्मास की बात करें तो पुराने जमाने में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम बोलते रसशाला जहां पे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रावधान थे जैसे अगर हम बात करें वॉस्टिंग सेक्शन हमारा अलग होगा डिस्पोजेबल के लिए अलग सेक्शन होगा मैनुफैक्चरिंग के लिए कुछ प्रोसेसिंग के लिए अलग सेक्शन होगा वैसे ही पहले रसशाला का कंसेप्ट था जिसमें कि अलग अलग कंसेप्ट थे अलग अलग हाउसिंग यूनिट्स थे सब चीजें थी उसी को ही मॉडिफाई करके हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को सेटअप किया है तो इज नोन एज रसशाला तो एज यू कैन सी हेयर वी हैव फैक्ट्री रिक्वायरमेंट्स इन रिक्वायरमेंट इंड जनरल रिक्वायरमेंट्स एंड सेकंड इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिस अगर फैक्ट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करें जिसमें कि फैक्ट्री प्रेमिस आएंगे सबसे पहले तो रिसीविंग एंड स्टोरिंग रॉ मटेरियल के लिए हमें अलग प्रेमिस चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रीमिसिस चाहिए क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन अलग होना चाहिए फिनिश गुड स्टोर ने भी देखा उसके लिए अलग प्रीमिसिस चाहिए ऑफिस अलग होना चाहिए देन रिजेक्टेड गुड्स और ड्रग स्टोर हमें अलग प्रीमिसिस चाहिए ये हमें बिल्डिंग्स चाहिए ही चाहिए किसी भी जीएमपी प्रोडक्ट्स को जो भी आयुर्वेद से डील कर रहा है उसकी इंडस्ट्री लगाने के लिए इफ यू टॉक अबाउट द जनरल रिक्वायरमेंट्स लोकेशन एंड सराउंडिंग्स वाटर सप्लाई शुड बी देयर डिस्पोजेबल ऑफ द अब बात करें लोकेशन की तो उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए क्या उसे हम एक क्राउडेड प्लेस में लगा सकते हैं नहीं लगा सकते किसी भी इंडस्ट्री के लिए हमें एक एक सबसे पहले तो एक ऐसा एरिया चाहिए जहां पे ज्यादा ना ना हो क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ वेस्ट भी निकलेगा उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर साइट चाहिए होगी पर्टिकुलर रिसाइकल प्लांट लगाना होगा ओके तो ये जनरल सी रिक्वायरमेंट्स है ये आप लोगों ने पहले भी करी होगी जीएमपी में देन वी हैव अ स्टोर सेक्शन वर्किंग स्पेस अदर जनरल रिक्वायरमेंट्स आर Healthy, clothing, sanitation, hygiene, जिसमें हमने देखा था कि फर्स्ट एड बी प्रोवाइडेड एक रूटीन चेकअप होना चाहिए मेडिकल ताकि उनकी health conditions के बारे में हमें पता चलना चाहिए और ये सारी चीजें हर एक चीज को सिर्फ बोल के नहीं है एज पर जीएमपी हर एक चीज का एक रजिस्टर सेपरेट होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड रिटेंशन रिकॉर्ड को हमें रिटेन करके रखना है अगर लोकेशन और surroundings की बात करें

द लाइट और वेंटिलेशन फ्लोर और वॉल्सियना चाहिए वॉल्स okay? कि कि पे इजी क्लीनिंग डिसइंफेक्शन इजीली हो जाए ड्राइंग देयर अगर हम भट्टी यूज कर रहे हैं क्योंकि आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जैसे आपने डिकॉक्शन बनानी है तो उसको उबालने के लिए हमें भट्टी सेक्शन और फर्नेस सेक्शन शुड बी

देयर शेड भी एडोकेट अरेजमेंट ऑफ सेपरेटेड मैनुफेक्चरिंग ऑपरेशन वहां पर अलग प्रावधान होना चाहिए जितने भी ग्लासवेयर है उनको वॉश करने store section should be there, के लिए स्टोर सेक्शन शुड भी देयर जिसमें कि हमें रॉ मटेरियल स्टोर चाहिए पैकेजिंग मेटीरियल स्टोर चाहिए और वेरी इंपॉर्टेंट जहां पे हमने क्वारंटाइन एरिया जहां पे हमने फिनिश्ड कूड्स को रखना है वो भी हमें प्रॉपरली चाहिए सो केयर शुड बी टेकन टू हैंडल द फॉलोइंग रॉ मेटेरियल बिकॉज हमने आयुर्वेद में देखा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रॉ मेटीरियल हम यूज करते हैं सबसे पहले अगर कोई ड्रग मेटल ओरिजिन की है मिनरल ओरिजिन की है एनिमल ओरिजिन की है तो उसकी अपनी स्टोरेज कंडीशन के हिसाब से हमें उसको स्टोर करके रखना है क्लियर और हर एक चीज को यहाँ पे लेबल करना है प्रॉपर अप्रूव का बोर्ड लेबल लगाना है या अगर कोई चीज रिजेक्ट कर दी है आपने तो उसको रिजेक्ट का आपने उस पर्टिकुलर बैच पे लॉट पे उस पर आपने लेबल अटैच करना है अब ये जनरल सी चीजें जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एफ आई एफ ओ टेक्निक यूज करनी है जो चीज आप पहले खरीदोगे उसको आप फर्स्ट यूज भी उसको करना है ऐसा नहीं कि रॉ मेटेरियल आपने रखे रखा तीन चार साल तक और फिर उसको यूज करने लगे तो जो चीज़ आपने पहले प्रिक्योर आपको निकालना है उसको यूज करके देन पैकेजिंग मटेरियल की अगर बात करें तो ये जनरल सी चीजें जो हमने कर ली है तो आई विल शेयर वर्किंग स्पेस शुड बी देयर हाइजीनिक फैसिलिटीज मेडिकल फैसिलिटीज मशीनरी इक्विपमेंट्स तो ये सब था आपका शेड्यूल टी के बारे में तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू सो थैंक यू वेरी मच फॉर ए पेशन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर